आइए मित्रों नमस्कार, सीडीपी की महामैराथन की कक्षा में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। देखते हैं साइकोलॉजी के अर्थ एवं परिभाषाएं क्या है मनोविज्ञान। सर्वप्रथम देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, हेल्थ से जुड़ा हुआ, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशियली, लिंग्विस्टिकली, हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ, सेंस ऑर्गेन, सेंसरी मोटर स्टेज पढ़ा तो होगा आपने, इमोशनल संवेगों से जुड़ा हुआ, बिहेवियर व्यवहार से जुड़ा हुआ पढ़ते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। शिक्षा का अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन किससे? एजुकेटम का रूपांतरण है, लैटिन भाषा के एजुकेटम से निकला हुआ है एडुकेटर। तो टू ब्रिंग अप टुगेदर तो व्यक्ति के शरीर मन आत्मा के समुचित विकास से इसका तात्पर्य है। अंग्रेजी का साइकोलॉजी जो कि साइकी और लोगस से बना है। साइकी का अर्थ आत्मा और लोगस का अर्थ विचार विमर्श। लोगस का अर्थ विचार विमर्श। तो आत्मा का अध्ययन अर्थात आत्मा के बारे में विचार विमर्श या अध्ययन मनोविज्ञान कहा जाएगा। ठीक, मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान क्या हो सकता है मनोविज्ञान को? पहले ये तो दर्शन शास्त्र का विषय वस्तु हुआ करता था, दर्शन शास्त्र का, इसे शिक्षा के पर्सपेक्टिव में भी जोड़ दिया गया। तो इससे जो है शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ेगी, पाठ्यक्रम में सुधार होगा, सहगामी क्रियाएं, कोलैबोरेटिव लर्निंग बढ़ेगा, सहगामी क्रियाएं बढ़ेंगी, रुचि मूल प्रवृत्तियात्मक विकास होगा, व्यक्तिक विभिन्नता को समझ पाएगा एक शिक्षक, व्यक्तिक विभिन्नता को, बच्चों की नीड्स को तो बेहतरीन रूप में बच्चों को हम अर्थपूर्ण अधिगम करवा सकते हैं। नेक्स्ट विकास की अवधारणा और अधिगम के साथ उसका संबंध। विकास की अवधारणा, विकास का संप्रत्यय कॉन्सेप्ट और लर्निंग के साथ इसका रिलेशनशिप देखें। परिचय बाल मनोविज्ञान को जानने के लिए आवश्यक है विकास वृद्धि परिपक्वता का अर्थ समझना। विकास व वृद्धि के अंतर को जानना भी अति आवश्यक है। डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंतर को जानना भी अति आवश्यक है। साथ ही विकास प्रमुख अवस्था व अधिगम में संबंध समझना भी आवश्यक प्रतीत होता है। उनका नाम विकास न है जी, हाँ प्रणाम करते हैं, लतियाइएगा नहीं। विकास और वृद्धि को समझने से पहले हमें मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन को भी समझना जो वृद्धि जिसे मात्रा जब मापा जा सकता है, मीजर किया जा सकता है, संख्या का रूप दिया जा सकता है, तो मात्रात्मक जैसे ग्रोथ आपका मात्रात्मक होता है और गुणात्मक अर्थात क्वालिटी क्वालिटेटिव और मात्रात्मक क्वांटिटेटिव। गुणात्मक क्वालिटी को देखते हैं, विकास में सारे पक्ष सन्निहित होते हैं, तो यह गुणात्मक के साथ साथ मात्रात्मक भी होता है, भी समझ लेना चाहिए। विकास का अर्थ है प्रकृति, नेचर, व्यवहार। पर्यावरण विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, निरंतर चलती है, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिणात्मक। अच्छा, जीन प्याजे वाले में पूछा जाए जो चरणीय सिद्धांत है स्टेज वाला, तो उसमें सतत नहीं और निरंतर रूप में चलते, क्योंकि चार स्टेजों में बांटा गया है। अच्छा, जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमाणात्मक बोले तो मात्रात्मक, परिमाण मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं किसमें? विकास के अंतर्गत। नेक्स्ट, गुणात्मक परिवर्तन जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ने पर सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि। ये सब क्या? गुणों को देखा जाता है, गुणात्मक परिवर्तन। अब मात्रात्मक परिवर्तन, मात्रा वगैरह जो कि वृद्धि आपका ग्रोथ आता है, जैसे शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, बनावट में परिवर्तन आदि।
तो शरीर का कद बढ़ जाना, लंबाई चौड़ाई ढोलकिया रूप में फैल जाना, बनावट में परिवर्तन, परिपक्वता, मैच्योरिटी। आइए यहाँ से भी कई प्रश्न आपके आए हुए हैं। परिपक्वता, परिपक्वता का अर्थ है व्यक्ति के आंतरिक अंगों का प्रौढ़ होना और उन गुणों का विकसित होना जो उसे वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। बालक के विकास पर परिपक्वता की प्रक्रिया का प्रभाव जन्म से लेकर तब तक पड़ता है जब तक कि उसे मांसपेशीय एवं शाब्दिक दृढ़ता और प्रौढ़ता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो जाता। परिपक्वता आंतरिक विकास की प्रक्रिया है। आंतरिक विकास की प्रक्रिया, परिपक्वता का अर्थ आपसे पूछा गया था और बहुत सारे लोगों ने बताया उम्र का बढ़ जाना, साहब विशेष क्षमता आ जाना, आंतरिक कौशलों का विकास हो जाना, क्या मैच्योरिटी कहलाएगी। यस, इसी के कारण बालक के शारीरिक अवयवों में नई क्रियाओं को सीखने की क्षमता उत्पन्न होती है। अधिगम वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित अवधारणात्मक रूप से देखा जाए तो इस अंतर को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं निम्न प्रकार से। विधि, विधि शब्द का प्रयोग परिमाणात्मक, परिमाणात्मक, परिमाण अर्थात क्वांटिटी, जैसे बच्चों के बड़े होने पर उसके आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है, और विकास का प्रयोग परिमाणात्मक होने के परिवर्तनों, परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन के, जैसे कार्य कुशलता, व्यवहारिक परिवर्तन यानी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि भी होता है। साथ ही साथ वृद्धि, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है, संकुचित होता है, व्यापक नहीं होता है, संकुचित। विकास अपने आप में एक विस्तृत व्यापक अर्थ है, वृद्धि इसका एक भाग होता है, वृद्धि जो है ना इसी का एक भाग होता है, वृद्धि इसी का एक भाग होता है। कई सारे योग की श्रृंखला यानी वृद्धि के योग की श्रृंखला को विकास कहा जाता है। आइए वृद्धि देखें, वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है, यानी एक निश्चित पीरियड तक, जैसे 21 वर्ष तक लड़की वगैरह देखते रहे देखा देखियो, तो एक निश्चित उम्र तक चलती है, यह रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है, सतत चलता है, कंटिन्यूस चलता है, वुंब से तुंब तक चलता है, गर्भ से कब्र की ओर, परिपक्व होने के बाद भी यह चलती रहती है। विकास की शारीरिक वृद्धि हो रही है, बालक इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि उसमें विकास भी हो रहा है। तो शारीरिक वृद्धि को आप कहिए क्या, ग्रोथ। बालक में विकास के लिए भी वृद्धि, ताकि आवश्यक, मतलब कि बालक में विकास, विकास के अंतर्गत वृद्धि भी आ गया, ये पापा जी है तो ये बेटा जी है, विकास के अंतर्गत PCMS, फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, इमोशनल, लिंग्विस्टिक, हर गतिविधि होगी, फिजिकल, कॉग्निटिव, मेंटल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक, भाषाई संबंधी, तो हर गतिविधि, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, जो वृद्धि चलती है ना दोस्त, वो एक रैखिक दिशा में जाएगी, रैखिक होगा, लीनियर, और जो विकास होगा वह चक्राकार होगा, चक्राकार यानी स्पाइरल, सर्कुलर होगा, वृत्ताकार होगा, वर्तुलाकार। देखें, बाल विकास की अवधारणा मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है, इसे कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, चार अवस्थाओं। सबसे पहले गर्भावस्था, प्रीनेटल स्टेज, प्रीनेटल, फिर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो प्रीनेटल स्टेज, गर्भावस्था, शैशवावस्था इन्फेंसी और चाइल्डहुड बाल्यावस्था, तत्पश्चात एडोलसेंस किशोरावस्था। तो 9 माह या 10
नौमा 10 दिन से 280 दिन यानी 40 सप्ताह तक का काल, 40 सप्ताह तक का काल। इसी में दिन में आपसे पूछ लिया जाए तो 280 चार सत्ते कितना 28, 4 7 28 280 डेज हो गया। और शैशवावस्था की बात करें तो जन्म से 5 वर्ष रॉस के अनुसार, बाल्यावस्था से बात करें तो 5 या 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, 5/6 वर्ष। किशोरावस्था की बात करें तो 12 से 18 वर्ष। इसी में आपको मध्य बाल्यावस्था जैसे प्री प्री चाइल्डहुड, मिडल चाइल्डहुड, पश्च चाइल्डहुड, उत्तर 3 भागों में बांटा दिया जाता है, 2 भाग में बांट दिया जाता है, तो पूर्व कर देना है, 3 भागों में बांट देना है, 2 भागों में बांटना है तो पूर्व और उत्तर पोस्ट वाला, ये 4 आपकी प्रमुख अवस्था। पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था यदि बांटा गया तो उत्तर यानी कि लेटर या पोस्ट चाइल्डहुड तो 6 से 12 वर्ष। तो कैसे ये हरलॉक के अनुसार यदि देखेंगे तो 2/3 वर्ष से 12 वर्ष, हरलॉक के अनुसार यदि देखेंगे तो बांटा गया है चाइल्डहुड को 2 वर्ष से 12 वर्ष, 3 वर्ष से 12 वर्ष। इसी में आपको 2 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष उत्तर। इसी में मध्य यदि बोल दे, मध्य बाल्यावस्था तो 6 से 9 वर्ष ले लेना है मध्य बाल्यावस्था। आइए शैशवावस्था देखते हैं, अनुकरणीय अवस्था इन्फेंसी, चिढ़ाई बहुत और चिढ़ाई कौन, खूब पकिएगा तो फेंकेगा, दांत काटिएगा दांत वो भी काटेगा। अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में किस अवस्था में पाई जाती है, शैशवावस्था कितने वर्ष तक मानी गई है रॉस के अनुसार यदि देखें तो जन्म से 5 वर्ष तक। बालक का निर्माण काल किस अवस्था में, शैशवावस्था में। निर्माण काल जो कुछ सिखाना है सिखाइए, बच्चे को जैसा माहौल देंगे वैसा बनेगा। फ्राइड के शब्दों में पढ़िएगा, फ्राइड के शब्दों में मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। 4 से 5 वर्ष देखिए आप फ्राइड को बना दीजिए। किस अवस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, शैशवावस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है। भावी जीवन भविष्य का जीवन आने वाला जीवन उसको प्रभावित करता है तो शैशवावस्था, इसलिए शैशवावस्था को माना जाता है जीवन का काल। शैशवावस्था को भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में व्यवहार पूरी तरह से मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है, मूल प्रवृत्तियां तो मेन बिहेवियर, मेन बिहेवियर पर आधारित, भूख लगना, प्यास लगना, प्रसन्नता, किसी से वो नफरत, ईर्ष्या, मूल प्रवृत्ति जिसे कॉलेज यूनिवर्सिटी ने नहीं पढ़ाया, माता पिता ने नहीं सिखाया, जो जन्म से ही हमें मिली है मूल प्रवृत्तियां, और 14 बताई है मैकडूगल ने, और 3 मूल प्रवृत्ति मुख्यतः शुरुआती दौर में भूख प्यास निद्रा जन्म से ही पाई जाती है। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा, मध्यम मध्यम सी हवाएं चलने लगती है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, आदर्श काल मनाते हैं शैशवावस्था जी। बालक का निर्माण काल शैशवावस्था को किसने कहा है, निर्माणकारी काल किसने कहा, सिगमंड फ्रायड ने, यस यस। इसी काल को बच्चे का समाजीकरण भी प्रारंभ होने लग जाता है, प्रारंभ होने लगता है समाजीकरण यानी कि समाज के नियमों को धीरे धीरे सिखाने लगते हैं, हालांकि बेहतरीन ढंग से नहीं सीखता है बट धीरे धीरे सीखने की शुरुआत तो हो जाती है ना प्रारंभ। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने के लिए सर्वोत्तम है, भाषा सीखने के लिए सर्वोत्तम है। 13 नंबर खुशी मैडम जी, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई होती है 51.5 सेंटीमीटर। और जो लड़का शिशु होता है ना वो ज्यादा लंबा होता है लड़की शिशु से, नहीं। 14 नंबर, नवजात शिशु का भार लगभग 3 केजी, 3.5 केजी, 6 से 7 से 8 पाउंड होता है, 7 से 8 पाउंड।
जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित, घटते बढ़ते रहती है। हाँ पढ़े। हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व। कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज तत्व। तो कैल्शियम और फास्फोरस याद रखेंगे, ये पूछा भी गया है इस बार कई प्रश्नों में। कैल्शियम, फास्फोरस। कितने वर्ष का बच्चा, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक बच्चों शब्दों का प्रयोग करने लगता है? 3 वर्ष। ये जो है आपका, कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है? मिस प्रिंट हो गया है। 3 वर्ष। सार्थक शब्द, 2 शब्द वाली भाषा का प्रयोग आपने देखा होगा कि 1.5 वर्ष से 2.5 वर्ष तक तार संप्रेषित भाषा यानी कि 2 शब्दीय भाषा, 2 शब्दों वाली भाषा का प्रयोग करने लग जाता है। तो 1.5 वर्ष से 2.5 वर्ष टेलीग्राफिक स्पीच, और 1 वर्ष में आप जानते हैं बच्चा कितने शब्द सीख लेता है? ये 2 है, ये 3 है ना, 3 शब्द सीख लेता है, 3 से 4 शब्द। मनोविज्ञान के अनुसार छोटे बच्चों को किस आयु में स्कूल भेजना चाहिए? 5 वर्ष में, 6 वर्ष में, 1 क्लास में एडमिशन भी लिया जाता है। किड्स प्ले में 3 वर्ष, चलिए ठीक है भाई साहब, नई शिक्षा नीति भी 3 वर्ष दे रही है, 3 से 18। दूध के दांत होते हैं कितने? 20। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम। बाल्यावस्था देखिए, चाइल्डहुड। हाँ पढ़ें। 6 से 12 वर्ष कपूर साहब। बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष तक होता है। बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? शारीरिक और मानसिक स्थिरता। शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिरता को हटाइए। शारीरिक और मानसिक रूप से बच्चा अपने आप को डेवलप करने लग जाता है। बाल्यावस्था में बालकों की प्रवृत्ति किस प्रकार की अधिक होती है? जिज्ञासु, प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछना, क्या, कैसे, किंतु, परंतु। अच्छा, यहाँ पर समूह की भावना भी प्रबल हो पाई जाती है। समूह की भावना, बच्चा दल में रहता है, दल, समूह, गैंग एज कहा जाता है, गैंग एज। लेकिन सक्रिय समूह, कट्टर वाला समूह, वो किशोरावस्था में। समूह में रहना, दल में, गैंग एज। खिलौने की आयु, ये ना, ये टॉय में खेलता है शैशव अवस्था में, टॉय एज, खिलौने से। और ये 2-4 गो दोस्त मुहिम से क्रिकेट, खो खो, कबड्डी, बुढ़िया कबड्डी, धुर कबड्डी, छुर कबड्डी होता है, छुर कबड्डी, छुड़िया, छुर कबड्डी। अच्छा, तो खिलौने, नहीं नहीं नहीं, खेलने की आयु किधर है? खेलने, इसको जो है ना, खेलना करें, खेलना, खेलने की आयु। खिलौना वाला आपका शैशवावस्था में जाएगा, टॉय एज कहते हैं, और प्ले एज इसे कहा जाता है, प्ले एज, बाल्यावस्था को प्ले एज, और उसमें भी पूर्व बाल्यावस्था को प्ले एज। किशोरावस्था देखते हैं आगे। अच्छा, यहीं पर बच्चा गंदी एज कहा जाता है, चुस्ती फुर्ती की आयु कहा जाता है, गैंग एज, बच्चा मिथ्या परिपक्वता का काल शुरू होता है। अपने देखा होगा 6-7 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष के बच्चों को कॉपी किताब में 100 या 10 टकिया 20 टकिया छिपा पाके रखते हुए झूठ बोलना भी शुरू कर देता है। पापा जी रात 4 गो रसगुल्ला लाए थे, फ्रिज में रखा, एगो गायब सुबह, जॉनी जॉनी तुम खाया? नो नो पापा, मैं नहीं खाया, जेब में था एकदम 8 गो 10 टकिया, पापा को सुबह मिला 6 बजे, 2 गो कहां गए? हम नहीं जाने छियो पापा, हम नहीं। मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। नेक्स्ट, किशोरावस्था का समय है। किशोरावस्था, एडोलसेंस, सबसे जटिल अवस्था, संघर्ष, तूफान,
संघर्ष की अवस्था, करियर के प्रति चुनौती होती है, प्रेम मोहब्बत के प्रति चुनौती होती है, शरीर में तरह तरह के हार्मोन का बदलाव होता है, और 12 से 14 वर्ष वयः संधि यानी यौनांग विकसित होने लगते हैं, प्यूबर्टी पीरियड वयः संधि काल, वयः व्यस्कता की ओर संधि का काल, माने जवनी के ताव आ गया हो, जवनी के ताव हीट मारे लगा, मत बुझे, किशोरावस्था का समय, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म स्ट्राइक, यहां पर बच्चा आंदोलन भी करना शुरू कर देता है, माता पिता से विद्रोह छिड़ जाता है, दोस्त मुहिम अच्छा लगता है, मम्मी पापा की टोका टोकी पसंद नहीं आती है, तनिको ढेर कंघी मार के एकदम बंद सवर के निकल रहा है, मैयो बाबू टोक दिया तनिको, अरे बेटा को मते चिरा पड़तिया ही न रहा है, हां खरुबो आते हैं, और मत की टोका टोकी मत करो, तो जतरे तुम मेरा खराब कर दी, बेचारा दुर्गा स्थान में दिया दिखाने जाने वाली से भेंट करने जा रहा था, जतरा खराब हो गया, रे बेटा ये लुंगा पहन लिया रे अंगारे, दुर्गा पूजा में पहनता पिन पाएगे सत्य भाई सब ना हो, बहुत मम्मी टोका टोकी करती है आपको भी ना, हम अपने मार्ग की बाधा समझते हैं, अपने प्रौढ़ को व्यस्कों को मार्ग की बाधा समझते हैं, और दोस्त मुहिम सखा का बात बड़ा प्यारा लगता है, ये प्रश्न आपको 3-4 दिन पहले हमने बनवाया भी था, यहीं पर यौनांग विकसित हो जाते हैं कई राज्यों में फीमेल्स में, तो इसे पॉजिटिव रूप में देखा जाता है, पूजनीय भी माना जाता है, और बहुत लोग इसे गुप्त भी रखते हैं, यह प्रश्न आया हुआ है आपका, सो आयाम चर्चा करेंगे, एज ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं यानी वयः संधि का काल, पूर्ण किशोरावस्था को, चलिए 12 से 18 वर्ष इधर आपका हो गया, स्टेनले हॉल के अनुसार क्या कहते हैं स्टेनले हॉल, ऋषि कपूर भाई, किशोरावस्था संघर्ष तूफान सॉरी संघर्ष तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था, वैदिक इसमें लिखा हुआ है, समझदार है ले हो, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, यानी कि बहुत ज्यादा चेंजिंग आती है हर दृष्टिकोण में, इस अवस्था को यौना एवं बाल्य अवस्था के मध्य पड़ने वाले संधि काल जुड़ाव काल, यौवन युवावस्था और बाल्यावस्था, इसके बीच में क्या पड़ेगा किशोरावस्था, जो आपका चाइल्डहुड है और आपका एडल्टहुड है उसके बीच में पड़ता है एडोलसेंस, तो ये मध्य पड़ने वाला हो गया संधि काल, क्या कहेंगे किशोरावस्था एडोलसेंस, किशोरावस्था के कौन से वर्ष सबसे तूफानी होते हैं, 13 से 16, सबसे तूफानी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, मैट्रिक में घुस गया बच्चा, इंटर में घुस गया 14 वर्ष में मैट्रिक में, 16 वर्ष में इंटर में घुस गया, यदि तब देखिए एकदम से दिल दीवाना ढूंढता है, फिल इन द ब्लैंक्स पूरा कर लीजिएगा, किन वर्षों के बीच लड़कों की लंबाई व मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं, सबसे सक्रिय कहा जाए तो यहाँ पर अमूर्त चिंतन पाया जाता है, सबसे सक्रिय समूह की भावना पाई जाती है, बच्चा रीति रिवाज धर्म कर्म यानी समाजीकरण बेहतरीन रूप में होने लग जाता है किशोर अवस्था में, जी बालकों का शारीरिक विकास और अधिगम देखिएगा, शिशु अवस्था में शारीरिक विकास, जी नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 270 से 300, और जन्म के समय बालक और बालिका का भार लगभग कितना होता है, 3 से 3.5 केजी, पाउंड में बात करें तो 7 से 7.5 पाउंड, 7 से 7.5 पाउंड, 1 पाउंड में कितना होता है, 1 पाउंड में कितना, 3.something होता है ना, अच्छा जो भी हो देख लेंगे, बताएं मुझे 1 पाउंड में कितना होता है, 0.45
0.454 होता है, 0.454 लगभग, नहीं 0.454, हाँ 454 होता है। तो 3.5 kg मल्टीप्लाई कर लें ग्राम में 454 ग्राम। तो पौंड में जब बात करेंगे आपका विकल्प दिया जाता है 7 पौंड 8 पौंड, तो 7 पौंड को आप उत्तर बनाएंगे। आगे बढ़े 3 नंबर। बालक और बालिका की लंबाई होती है क्रमशः 19.5 इंच और 20.3 इंच। हाँ। के समय और पूरी शिशुअवस्था में बालक और बालिकाओं के भार का भार अधिक होता है बालक का। तो नेक्स्ट है जन्म के समय और पूरी शिशुअवस्था में बालक और बालिका की लंबाई में किसकी लंबाई अधिक होती है बालक की। ये आप ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बालक और बालिका, बालक 19 पॉइंट, ये उल्टा पुल्टा है, ये आप बालक इसकी जोड़ दीजिए इसके साथ और बालिका जो है इसके साथ ले लेंगे। ठीक, जन्म के समय पूरी किस में बालिका के भार में कितना भार अधिक होता है, बालक का भार अधिक होता है। ठीक, बालक का भार अधिक, यहाँ से भी पक्षपात शुरू है ना, जन्म के समय। लेकिन यही मेरा कहना है, बच्चे को तो नहीं पता है ना कि मैं मेल हूं कि फीमेल हूं, तो समाज के द्वारा बोला जाता है उसको बच्चा सीख लेता है, तो सामाजिक संरचना होती है ना कि जैविक बायोलॉजिकल नहीं। बच्चा जब जन्म लिया उसे क्या पता कि मेरा भार कम होता है, मेरा भार अधिक होता है, लंबाई कम, या मैं जो है ब्लैंक चेक हूं। लिखिया जो जन्म लिए बच्चे से थोड़े सोचेगी आए हो बापा के सब धन हसोती के लेकर जाए वहां हम वो चीज हैं, ये नहीं पता। ये तो हमारा कुसमायोजित समाज, एक संकीर्ण विचारधारा वाला, एक गंदा समाज, उसकी मानसिकता बच्चा बच्ची सुनता है और अपने आप को समझ लेता है मैं लड़की हूं ना, मैं लड़का हूं, आ हा हा हा। तो ये समझता है किसके विचारों को सुन करके, समाज। अर्थात सामाजिक संरचना, सामाजिक सत्ता, सोशियल वो सत्ता आधिपत्य क्या बोलेंगे उसको, मैंने समाज के द्वारा बनाया गया रीति रिवाज सिस्टम, सामाजिक प्रणाली। आई 5 नंबर देखा जाए, पढ़िएगा। जन्म के समय और पूरी शिशु अवस्था में बालक और बालिकाओं की लंबाई में किसकी लंबाई अधिक होती है, तो बालक की। नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल कितनी होती है, कुल कितनी होती है, 1/4। 1/4 नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर का 1/4। देख रहे हैं सिर सबसे ज्यादा विकसित, सबसे ज्यादा बड़ा सिर, इसलिए आपको एक प्रश्न भी है कि सबसे ज्यादा क्या विकसित, तो सर, हेड, 1/4 भाग। एक रोटी है तो उसका चौथा, एक पूरा का पूरा बच्चा है तो इसका चौथा भाग सिर ही है, इतना ज्यादा डेवलप। क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है, 350। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास देखें, शारीरिक विकास जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था में शारीरिक विकास सिर से प्रारंभ होकर पैरों, यानी सिर से प्रारंभ होकर धड़ की ओर, सिर से प्रारंभ होकर धड़ की ओर, हाथों की ओर, पैरों की ओर जाता है, सिपिलोकॉडल जिसे कहते हैं, सिपिलोकॉडल, मस्तकाधोमुखी, सिर पुच्छीय दिशा में, टॉप टू बॉटम दिशा में, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर गमन दिशा में सिर का भार जो जन्म के समय 350 ग्राम होता है, 6 वर्ष की आयु तक 4-5 वर्ष में 1250 ग्राम हो जाता है, और 10 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार शरीर का 8वां हिस्सा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा बाल्यावस्था आते आते, यानी शैशवावस्था में ही विकसित हो जाता है, बाल्यावस्था आते आते जब बच्चे ने जन्म लिया 350 ग्राम और 4-5 वर्ष 6 वर्ष छूते छूते 1250 ग्राम हो जाता है मस्तिष्क का वजन, ब्रेन का। दांत लगभग अब देखें आप कहेंगे तो सर सबसे ज्यादा तार्किकता शैशवावस्था में होगी, तार्किकता नहीं, ये खोपड़िया
होना अलग चीज है, लेकिन इसमें तर्क वितर्क जो ज्यादा करेगा, रीजनिंगल इंटेलिजेंसी, इमेजिनेशन, उसकी मस्तिष्क क्षमता बढ़ेगी। तो ज्यादा तर्क वितर्क शैशवावस्था में कर पाता है बच्चा क्या? किशोरावस्था में ना कर पाता है अमूर्त चिंतन? तो सबसे ज्यादा मस्तिष्क बोले तो तार्किकता विकसित अमूर्त चिंतन वो किशोरावस्था में उत्तर को मारेंगे। दांत के बारे में पढ़ते हैं, लगभग 6 वर्ष की आयु में दूध के दांत टूटने लगते हैं, 12 अथवा 13 वर्ष तक उसके लगभग सभी अस्थायी दांत निकल आते हैं, जिनकी संख्या 28 होती है। अभी कितना लोग को 28 है? बालकों के अस्थायी दांत बालिकाओं की अपेक्षा देर से निकलते हैं, बालकों के अस्थायी दांत बालिकाओं से देर से निकलते हैं। मांसपेशी तथा अन्य अंग इस काल में बाल्यावस्था में धीमी गति से विकास होता है। 9 वर्ष की आयु तक बालक जो है कि मांसपेशी का भार उसके शरीर के भार का 27% होता है। किशोरावस्था देखें, शारीरिक विकास, लंबाई, किशोरावस्था में एडोलसेंस में बालक व बालिकाओं की लंबाई बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। तो देखें, लंबाई काफी तीव्र गति से बढ़ती है, बालिकाएं प्रायः 16 वर्ष की आयु तक तथा बालक लगभग 18 वर्ष की आयु तक अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं लगभग। ये तो आपने 21 वर्ष देखा होगा, बट 16 वर्ष इधर बालिका शिशु में देख रहे हैं कितना मैच्योरिटी। ये हमारा समाज ही है जो लड़कियों को संकुचित संकीर्ण अर्थ के रूप में प्रस्तुत करता है, जबकि कौशल, जिम्मेदारियां हर क्षेत्र में लड़कियां बेहतर पाई जाती हैं, बेहतर रूप में माता पिता का सच्चा साथी भी कहा जाता है। हटिया गेले मम्मी, गेलो तो नहीं देखते रही है भाई करे आगे मम्मी जो नहीं हमारा कॉफी ले आई है। हाँ, नहीं आएगा पापा जल्दी आ जाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पापा जल्दी आ जाना, लेकिन लड़का तो आओ कि नहीं आओ, गुड़िया मतलब कार आना चाहिए रिमोट कंट्रोल वाला। तो 16 वर्ष की आयु तक कितना बालक है बोले बता नहीं मुझे मैडम जी ढेर है हमारे क्लास में, सैंडिलो वाला डर लगता है नी, तो वही बचने के लिए बात बुझे, अरे सच्चाई है महाराज वही बचने के। 18 वर्ष की आयु तक अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर रहे, किशोरावस्था में बालकों की लंबाई बालिकाओं से अधिक रहती है, ठीक, बालकों की लंबाई बालिकाओं से अधिक, आपने देखा भी होगा। 18 वर्ष की आयु तक बालक इसी आयु बालिका से लगभग 10 सेंटीमीटर अधिक लंबा होता है, बालक लंबा, ठीक। भार, वेट, वजन देखें, किशोरावस्था में भार में काफी वृद्धि होती है, बालकों का भार बालिकाओं के भार से अधिक बढ़ता है। इस अवस्था के अंत में बालकों का भार बालिकाओं के भार की तुलना में लगभग 10 से 11 किलोग्राम अधिक होता है लगभग। ये हो भी सकता है नहीं भी, और यहां से प्रश्न आपके नहीं विशेष रूप में, किशोरावस्था विभिन्न वर्षों में औसत भार निम्नांकित, देखिए सिर तथा मस्तिष्क, हेड एंड ब्रेन। तो किशोरावस्था में सिर तथा मस्तिष्क का विकास जारी रहता है, परंतु इसकी गति काफी मंद हो जाती है, लगभग 16 वर्ष की आयु तक सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है। मस्तिष्क का भार प्रायः 1250 ग्राम से लेकर के 1450 ग्राम, 1450, और फीमेल में 1350 ग्राम होता है, बोले तो अच्छा फीमेल में क्या 1250 से 1350 क्या? चौदह सौ पचास ग्राम से 1550 सही बात है जी? नहीं 1250, ठीक, 1250 से 1350, ये फीमेल में आपका, ठीक, और ये 1350 से 1450 मेल में,
हड्डियों की संख्या। किशोरावस्था में हड्डियों की दृढ़ीकरण ठोस होने लग जाती है, स्थिरीकरण ऑसिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अस्थियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है। आपने देखा था हड्डियां वगैरह 270 से 300 मांसपेशियों की मालिश होती है, हड्डियां जुड़ती हैं, जुड़ करके जो है ना जटिल रूप धीरे धीरे लेने लग जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे कम होता चला जाता है उनका, तथा वे दृढ़ सख्त हो जाती है। किशोरावस्था में हड्डियों की संख्या कम होने लगती है, यानी 206 हड्डियां, कितनी 206 हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं, दांत देखते हैं। अच्छा सत्यम भाई देखिए तो क्या लिखा हुआ है अभी के लिए, क्या प्रज्ञा का दांत देखिए पढ़िए तो। किशोरावस्था में प्रवेश करने से पूर्व बालक तथा बालिकाओं के लगभग 27 से 28 अस्थायी दांत निकल जाते हैं। प्रज्ञा भैया कल चौवा इंट्यूटिवनेस वाला प्रज्ञा दंत सबसे अंत में निकलता है, प्रज्ञा दंत यानी कि विजडम विजडम टीथ बधिका वाला। सत्यम भाई देखिए तो क्या निकला अच्छा इसलिए ढेर बुद्धिमानी हो गए। अच्छा आगे पढ़िएगा। प्राय किशोरावस्था के अंतिम वर्षों में अथवा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभिक वर्षों में निकलते हैं। हाँ प्रारंभिक तो लगा ही दिया, नहीं निकलते। अरे डाउट है। अच्छा शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक वंशानुक्रम हेरिडिटी जेनेटिक्स वातावरण भी प्रभावित करेगा, पौष्टिक भोजन नियम दिनचर्या निद्रा बहुत सारी चीजें हैं। नागरिकता देखिए अभिवृद्धि विवृद्धि या वृद्धि बोले तो ग्रोथ और डेवलपमेंट विकास कुछ सिद्धांतों से गुजरता है, जैसे विकास क्रम का सिद्धांत एक सीरीज में सीरिएशन ऑर्डर का फॉलो करता है, लेकिन वृद्धि गति जो है ना वो अलग अलग होती है, दर एक सी नहीं रहती है। दूसरा दर अलग, रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी एक रूपीय नहीं होती, बहुरूपीय मल्टी डायरेक्शनल विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है, सिफिलोकॉडल परिपक्वता गर्भाधान के बाद सिर से पैर की ओर होती है, मस्तकादोमुखी कहते हैं। और दूसरा होता है केंद्र से परिधीय यानी कि केंद्र से बाह्य दिशा में प्रोक्सीमो डिस्टल तो केंद्र से बाह्य दिशा में, जैसे बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उठाना वस्तुओं को, उसके बाद बैठना सीखता है। कप्पू स्वामी ने लिखा है कि विकास सिर यानी पदाभिमुख सिफिलोकॉडल और समीपस्थ दूराभिमुख यानी प्रोक्सीमोडिस्टल क्रम में होता है विकास। और ये तो फिक्स है कि सब में पाया जाएगा, तो इसका पूर्वानुमान बताया जा सकता है, तो पूरी तरह से कह दे पूर्वानुमान प्रेडिक्शन भविष्यवादी तो गलत होगा कि कहां तक भाषा डेवलप होगी, कहां पर मानसिकता डेवलप होगी, ये कह पाना गलत होगा। सिफिलोकॉडल उसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है, और प्रोक्सीमोडिस्टल इसमें बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है, सिरा यानी अन्य सिरा पूरा जो है ना एकदम केंद्र में आ गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाह्य धड़ में आया, फिर धीरे धीरे पैरों की ओर जा रहा है, यानी सेंटर टू आउटवर्ड्स देखें, अर्थात पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, उसके बाद भुजाओं, सबसे पहले बैकबोन रीढ़, उसके बाद भुजाओं, फिर हाथ तथा हाथ की अंगुलियों का विकास। ये देखिए सेम टू सेम दे दिया गया प्रश्न आपका, उसके बाद भुजाओं, फिर हाथ तथा हाथ की अंगुलियों का विकास, हाथ की अंगुलियां यानी पहले ग्रॉस मोटर स्किल, तब सूक्ष्म गति कौशल यानी फाइन मोटर स्किल का विकास होता है। सबसे पहले बच्चा बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करता है, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग, किसी ग्लास को पकड़ना, टॉय को पकड़ना, हथेलियों से कूड़ा, और तब सूक्ष्म गति कौशल छोटी मांसपेशी, लिखना, टाइपिंग करना, मटर के दानों को प्रयोग करना, नींबू को निचोड़ना, दानों को दबाना, मोती माला छोटी मांसपेशी, देखिए ना छोटा छोटा एकदम,
चुटकी हो, चुटकी का प्रयोग करेंगे लिखने के लिए, टाइपिंग करने के लिए। तो परिष्कृत गतिक कौशल बाद में, पहले अपरिष्कृत, पहले अपरिष्कृत अर्थात मूर्त वाला और तब अमूर्त वाला। पहले ग्रॉस मोटर स्किल स्थूल गतिक कौशल, तब सूक्ष्म गतिक कौशल ग्रॉस ये फाइन मोटर स्किल। परस्पर संबंध एक दूसरे से, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष, सभी गुथे हुए हैं। यदि शरीर गड़बड़ होगा तो हर पक्ष प्रभावित होगा, तो अंतर संबंधित होता है, परस्पर समन्वित होता है विकास का हर पक्ष। गैरिसन और अन्य मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि शरीर संबंधित दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देती है। आरबीएसई की कक्षा 11 पृष्ठ संख्या 14 में भी मिला है क्या, जैसे एक कहावत भी है कि जो शरीर से स्वस्थ होता है उसका मानसिक स्तर भी अच्छा होता है तथा वह सामाजिक कार्य करने में भी आगे होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ देवता का, स्वस्थ की नाम वास होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता देखिए, प्रत्येक बालक या बालिका के अंग या शारीरिक मानसिक भाषा संवेगात्मक या अन्य चीजें अलग अलग होंगी, भिन्न होंगी, उनकी आवश्यकताएं, सीखने का ढंग, उनका आईक्यू लेवल अलग अलग होगा। बालक का विकास किसी अवस्था में बालिका से अधिक होता है, किसी अवस्था में बालिका का विकास बालक से अधिक कम। अलग अलग बच्चे, भले वो एक ही समय एक ही गर्भ से मतलब जन्म लिए हो यानी जुड़वा बच्चे, उनमें भी व्यक्तिक विभिन्नताएं, व्यक्तिक मतभेद, व्यक्तिक असमानताएं, मतभेदता, पर्सनल इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी पाई जाएगी, डिफर करेगी, वेरिएशन होगी, अलग अलग पाई जाएगी। तो एक शिक्षक को ख्याल रखना चाहिए इनका और उन्हें अलग अलग गतिविधि को सुसाधित करते हुए पढ़ाना चाहिए, मल्टीडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी वे से, सामाजिक विभिन्नता रखते हुए, एक जैसा नहीं, सामाजिक विभिन्नता का पालन करना चाहिए, एक जैसा नहीं। एकीकरण का सिद्धांत, इसके अनुसार बालक संपूर्ण अंगों को तथा फिर अंगों के भागों को चलाना सीखता है, संपूर्ण अंगों को तब फिर जो है भागों को चलाना सीखता है, जैसे पहले हाथों को फिर उंगलियों को, पहले ये हाथ हथेली वगैरह, पहले ये पूरा प्रयोग किया हथेलियों से और फिर उसके बाद उंगली। ये एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, वहां पर एकीकरण भी था और वहां पर प्रॉक्सिमोडिस्टल भी था, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल केंद्र से हाथ फिर उसके बाद उंगलियां हथेलियां तब उंगलियां, तो वो प्रॉक्सिमोडिस्टल उसका उत्तर जाएगा। केंद्र से बाह्य दिशा में पहले हाथों को फिर उंगलियों को तथा बाद में हाथ और उंगलियां दोनों को एक साथ मिलाता है, एकीकरण कर लेता है, यूनिटाइजेशन, इसे समन्वय का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग चलाना सीखता है, फिर अंग के भागों को, अंत में सभी एकीकरण करता है। यदि किसी बालक के आगे खिलौना रखा है, वह थोड़ा दूर है, तो वह उसे अपने पूरे शरीर को हिलाकर घसीटते हुए खिलौने तक पहुंचता है, पूरे शरीर, और फिर उसके बाद वहां तक पहुंच गया तो उसे छूने की कोशिश करता है, अंत में दोनों क्रिया को जोड़ करके वह खिलौने को हाथ में ले लेता है। इसे एकीकरण का सिद्धांत कहते हैं। वंशानुक्रम, हेरिडिटी, इनहेरिटेंस और वातावरण, एनवायरमेंट की अंतःक्रिया से ही विकास बेहतरीन होगा। केवल एक को नहीं ले लेना है, केवल एक को नहीं, दोनों को, जिस विकल्प में दोनों पाया जाए, इसी को प्रकृति और पोषण, नेचर एंड नर्चर कहेंगे। आपका पूछा भी जाता है प्रकृति और पोषण विवाद। तो इस सिद्धांत के अनुसार वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे का गुणनफल होता है, योगात्मक नहीं, योगफल नहीं, गुणात्मक। एक स्टेटमेंट था, योगात्मक नहीं होता, योगात्मक नहीं होता, तो सही तो बात है, गुणनफल होता है। किसी भी बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का विकास पूर्ण होगा, तभी बालक का विकास होगा, केवल एक के विकास से बालक का विकास नहीं होगा।
केवल वातावरण नहीं, हमें आनुवंशिकता भी चाहिए। केवल आनुवंशिकता नहीं, हमें वातावरण भी चाहिए। इस सिद्धांत पर कई अवधारणा प्रसिद्ध है, परंतु यही सही अवधारणा है। विकास लंबवत यानी कि एक रैखिक दिशा में न होकर के चक्राकार वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल होता है। कैसा? स्पाइरल, स्पाइरल, सर्कुलर, सर्कुलर, चक्राकार वर्तुलाकार वृत्ताकार, लीनियर नहीं, रैखिक नहीं। रैखिक तो वृद्धि होती है। हाँ, पढ़ते हैं पूजा मैडम जी, पढ़ते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी तो साथ साथ चौड़ाई में भी वृद्धि होगी, अर्थात विकास विकास के रूप में, विकास आकार के रूप में होता है और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। इसको काट देंगे। अब वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, इनहेरिटेंस और इंट्रैक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट अपने जाना ही है। निरंतर विकास का सिद्धांत यानी कि निरंतर रूप से, कंटिन्यूस रूप से चलता रहता है अविराम गति से, वुम्ब टू टुम्ब यानी कि कब्र से लेकर गर्भ, गर्भ से लेकर के कब्र तक समान प्रतिमान एक मॉडल को फॉलो करेगा। यानी कि प्रतिमान बोले तो पैटर्न, एक प्रकार का पैटर्न। ये देखिए पशु पक्षी का बच्चा उसी प्रकार से शैशवावस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था में जा रही है, गरीब परिवार का या अमीर परिवार का हो, सब एक ही प्रतिमान का, सादृश्यता का, समदृश्यता या नमूने का प्रयोग करेगा। देखे ना, पैटर्न, सेम पैटर्न, समान प्रतिमान, सामान्य से विशिष्ट तो सरल से जटिल की ओर, सामान्य से विशिष्ट। जब बालक गर्भ में होता है या पटवा के बुतरु तो एक सरल आकृति रहती है और धीरे धीरे फिर ब्रांचेज निकलनी शुरू हो जाती है, चाहे गेहूं का ही पौधा क्यों ना हो। प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में विकास अधिक तेजी से होता है, मैंने हाथ पैर की लंबाई वगैरह ना सबसे ज्यादा बढ़ने लगती है शैशवावस्था में, तेज गति से होती है शैशवावस्था में वृद्धि और विकास, तेज गति के साथ होते रहता है शैशवावस्था में। आंतरिक रूप में जो इंटरनली जो होगा तार्किकता, वो किशोरावस्था। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत यानी भविष्यवादी किया जा सकता है, प्रेडिक्शन तो कुछ हद तक, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आप कह देंगे इतना संवेग उसमें उमड़ेगा, इतनी सामाजिक भावनाएं विकसित होंगी, उसमें भाषाई विकास इतना होगा, तो पूरी तरह से भविष्यवादी नहीं कर सकते हैं। जैसे बालक के विकास को देखकर हम कह सकते हैं कि यह बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा या यह आगे भविष्य में कौन सा व्यवसाय चुनेगा, लेकिन 100% सही हो जाएगा क्या वो? विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, समाज से, संस्कृति से जी, यानी कि गुणात्मक होता है। अच्छा, प्रभावित क्या क्या करेंगे? वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि वगैरह, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य, ये सब प्रभावित करेंगे। लिंग भी प्रभावित करता है, लिंग का असर फीमेल है कि मेल है, खेल और व्यायाम, भयंकर चोट एवं रोग के कारण भी, जैसे ADHD, जैसे आपका अन्य अन्य प्रकार की मानसिक क्षतियां, जाति प्रजाति आप देखते होंगे, उच्च जाति जो है ना ज्यादातर क्या है ना प्राइवेट नौकरियों पर विश्वास करता है, और निम्न जातियों को देखे होंगे सरकारी नौकरी पर, ऐसा मानना है मेरा, हमको नेट धोइएगा, मेरा नहीं मानना है, मनोवैज्ञानिकों का मानना है। अनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव, अनुवंशिकता का मतलब क्या है? तो जो पैतृक जीन्स आते हैं, जेनेटिक्स, पैतृक लक्षण संचरण को अनुवंशिकता कहते हैं, संतति। ये देखें अनुवंशिकता, स्पर्म ओवम देख रहे हैं, XX क्रोमोसोम और ये XY क्रोमोसोम, मेंडल का वंशागत गति नियम, अनुवांशिकता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरे। अच्छा, मटर के दानों पर प्रयोग भी किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल में कितना 2800 प्रजातियों के ऊपर, ये 28,000
अजय भाई, पीले मटर के दाने, हरे मटर के दाने, क्या कहा था? पीला वाला सर्वाधिक रूप में कि हरा वाला? पीला वाला सर्वाधिक रूप में आएगा। अच्छा, कुछ जो है ना चिकने थे, खुरदुरे थे, तो चिकना वाला, और फिर लंबा था, नाटा था, तो लंबा वाला पढ़ लेंगे। लिंग गुण सूत्र 22 जोड़ा जो है अलिंगी सूत्र गुण सूत्र, एक जोड़ा लिंगी सूत्र गुण सूत्र, स्त्री वर्ग में 22 जोड़े समजातीय यानी एक ही प्रकार के होते हैं ना, और सूत्री विभाजन में ओसिस के समय गुण सूत्र के जोड़े भी संयोजित होते हैं। हर एक अंडाणु में 22 जोड़े समजातीय, एक जोड़ा एक्स गुण सूत्र रहता है, जबकि शुक्राणु में 22 जोड़े समजातीय गुण सूत्र, एक जोड़ा एक्स वाई, एक्स वाई यानी कि पुरुषों के आधार पर लिंग का निर्धारण। इस प्रकार शुक्राणु के प्रकार के होते हैं एक्स और वाई दो प्रकार के। संतान का लिंग अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु पर निर्भर करता है, और एक्स वाई शुक्राणु की संख्या लगभग समान होती है। अंडाणु को कोई भी शुक्राणु समान रूप से निषेचित कर सकता है। युग्मनज जायगोट में एक्स वाई गुण सूत्र रहता है, इसका विकास स्त्री संतान के रूप में होता है, मतलब डबल एक्स है तो फीमेल आएगी, और एक्स वाई यदि आ गया, एक भी वाई आ गया, तो फिर वो मेल चाइल्ड होगा, पुरुष संतान के रूप में उत्पन्न होगा। टोटल जो है ना 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े, देख पा रहे हैं आप? वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांत, प्रत्यागमन क्या होता है ना, परावर्तन, प्रत्यागमन होना माने उल्टी दिशा में जाना, यानी कि विपरीत गुण, विपरीत गुण में जाना। बहुप्रतिभाशाली बच्चा है, उसका बच्चा मंद बुद्धि पैदा हो गया, हाँ, तो वो क्या हो गया? लॉ ऑफ रिग्रेशन का फॉलो किया, प्रत्यागमन। चलिए दोस्त नेक्स्ट, चलिए मित्रों आज की सभा यहीं पर संपन्न करने की दीजिए आदेश, इजाजत, मिलते हैं अगली दमदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।